हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो और मैं इस वक्त हूँ रंथम्बोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के पास एंड आई विल बी शेयरिंग सम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टिप्स विद यू ना आई आई केम टू रंथम बोर्ड लास्ट नाइट काफ़ी लेट हो चुका था आज मॉर्निंग की सफारी ड्यू थी हमारी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आया हूँ इट वॉज यू नो सडन ट्रिप काफ़ी टाइम से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं सो आई थाट कि क्यों ना एक ट्रिप मारी जाए आई पुट अप क्लोज़ टू डेली सो डेली से रंथम बोड की ड्राइव है क्लोज टू सिक्स टू सेवन आवर्स तो हमने सोचा जब बाहर ही निकलना है तो लेट्स गो इन द मिडल ऑफ नेचर ट्राई सम इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी डू लाइफ फोटोग्राफी एंड आई नो बिफोर आई शेयर ऑल दोिप्स लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि आई एम नॉट अ प्रो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आई एम अ ट्रेवल फोटोग्राफ़र और वाइल्ड लाइफ जो है वो ट्रैवल का एक बहुत छोटा सा पार्ट है बिकॉज वैन वैन यू टॉक अबाउट ट्रैवल फोटोग्राफी दैन इट नॉर्मली कवर्स लॉड ऑफ जॉनर्स लैंडस्केप स्ट्रीट पोर्ट्रेट कल्चर फेस्टिविटीज दैन वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्योंकि लॉर्ड ऑफ कंपनीज हायर पीपल लाइक मी ट्रैवल फोटोग्राफर्स टू इवन कवर डेस्टिनेशन लाइक रंथमपोर नेशनल पार्क हो मे बी बांधवगढ़ नेशनल पार्क और वहाँ पे आइडिया इज टू ग्रैप फ्यू शॉर्ट्स ऑफ द नैशनल पार्क एलॉन्ग विद द एनिमल्स इन दिनवायरमेंट मोस्टली दीज पार्कस आर टाइगर रिजर्व सो डेफिनेटली क्लाइंट्स नीड सम शॉर्ट्स ऑफ टाइगर्स बट नॉट द वे और द अप्रोच इज़ नॉट द सेम जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की होती है बट सिंस आई एव बिन डूंग इट इन कपल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दिस विल भी माई आज मॉर्निंग की सफारी हमको जानी थी बट क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था एंड आई प्रिफर मॉर्निंग सफारीज़ इसलिए आज मॉर्निंग में हम जा नहीं पाए और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही है यहाँ पे अभी ठंड एंटर कर रही है विंटर्स सो so, काफ़ी चिली था मॉर्निंग में एंड uh, हम लेट भी हो गए थे जैसे कि मैंने बोला तो उठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना इवनिंग सफारी की जाए आफ्टरनून सफारी एट अराउंड टू टू थर्टी वील लीव एंड वील कम बैक एट अराउंड फाइव थर्टी के आसपास सो लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट हैविंग सेट दैट पॉइंट मेरा ये है कि आई एम नॉट अ प्रो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बट आई हैव डन लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दिस विल बी माई सिक्सटी सेवंथ वाइल्ड लाइफ एम नॉट रॉन्ग अगर सारे नेशनल पार्क जितने भी मैं गया हूँ काजीरंगा बानधवगढ़ काना देन काबिनी रंथा बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स आ चुका हूँ बिकॉज डेली एन सी आर रीजन से uh, काफ़ी पास में यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है बट आई हैव ऑल्सो यू नो लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रो फोटोग्राफर्स हु आर माई फ्रेंड्स सो so, उनसे मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है हम लोग आपस में काफ़ी थॉट्स एक्सचेंज करते हैं तो आई थॉट ये कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी चालू करना चाहते हैं या बिगनर्स हैं और जिनका वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी को परस्यू करना चाहते हैं तो होपफुली ये टिप उनके ये जो टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ ये उनके बहुत काम आने वाली है नाउ द टिप नंबर वन इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू डू गुड वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी गुड से मेरा मतलब है कि आपके चांसेस ऑफ साइटिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंक्रीज हो जाए तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू गेट अप अर्ली टू यू नो अर्ली मॉर्निंग रेडी हो जाए और पार्क uh, का जो गेट टाइम्स होते हैं उससे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट पहले गेट पे पहुंच जाएं सो दैट यू एंटर द पार्क फर्स्ट एंड यू हैव एम्पल ऑफ टाइम बिकॉज यू नो नेशनल पार्क मोस्टली बाउंडेशन uh, होती हैं टाइम्स की गेट टाइमिंग्स की मॉर्निंग में गेट uh, टाइमिंग्स कुछ और होते हैं इवनिंग में कुछ और होते हैं विंटर्स के टाइम कुछ और होते हैं समर्स के टाइम थोड़े एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं सो so डिपेंडिंग आप किस सीज़न में जा रहे हैं और किस नेशनल पार्क में जा रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप अर्ली क्योंकि ये जो सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये रात में काफ़ी एक्टिव होते हैं एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं तो अर्ली मॉर्निंग इनका जो बोल सकते हैं जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी फेड आउट होने की तरफ जाती है तो आपको काफ़ी चांसेज है साइट करने के नो ऑब्वियसली आप रात में तो जा नहीं सकते जब सब सबसे ज़्यादा ये एनिमल्स एक्टिव होते हैं सो अर्ली मॉर्निंग चांसेज ऑफ देम बींगड इज़ फार मोर हायर देन यू नो लेट इन द मॉर्निंग कि आप आठ बजे जा रहे हैं साढ़े आठ बजे जा रहे हैं इस टाइमिंग के दौरान ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ माई सो कॉल टाइगर साइटिंग्स जो हुई हैं वो अर्ली मॉनिंग हुई है रादर दैन इवनिंग्स एंड थ्रू माई एक्सपीरियंस आई कैन से एंड आफ्टर स्पीकिंग टू लॉर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आई कैन से कि अर्ली मॉर्निंग चांसेस काफ़ी ज्यादा होते हैं टू स्पॉट वाइल्ड लाइफ एंड दैट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एक्चुअली लोगों को लगता है एक छः सौ एम एम लेंस ले लिया एक पाँच सौ एम एम लेंस ले लिया अच्छा गेर ले लिया फुल फ्रेम कैमरा ले लिया एंड नाउ दे आर प्रो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऐसा नहीं है द टफेस्ट पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज टू गेट अप अर्ली एंड गेट इनसाइड द पार्क इरिस्पेक्टिव वॉट एवर इज़ द वैदर कंडीशन वॉट एवर इज़ द टेम्परेचर या वॉट एवर इज़ द इन्वायरमेंट बट किन्हीं वजह से अगर आप अर्ली मॉनिंग एंटर नहीं कर पाते हैं दैन ऑब्वियसली द ऑप्शन इज़ कि अगर आप आफ्टरनून सफारी पर जा रहे हैं तो जैसे कि मैंने बोला पंद्रह बीस मिनट पहले गेट टाइमिंग्स के आप पहुँच जाएँ सो so दैट आपको काफ़ी टाइम मिले टू तो स्पॉट वाइल्ड एनिमल्स Second टिप that आई want टू शेयर इज़ नो योर gear वेरी वेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास कोई भी कैमरा सिस्टम हो कितना भी सोफिस्टिकेटेड कितना भी एक्सपेंसिव आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर जाते हैं जो भी आपको साइटिंग होती है चाहे वो आप टाइगर साइट करने जा रहे हो चाहे लायन चाहे लेपर्ड जो भी साइटिंग होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर वेरी लकी तो तो साइटिंग लंबे ड्यूरेशन के लिए होगी एंड यू माइट हैव एम्पल ऑफ टाइम टू चेंज योर सेटिंग्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है और जो साइटिंग होती है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होती है और उस ड्यूरेशन में अगर आप फिडल कर गए अपनी सेटिंग्स के साथ यू डोंट नो या कैमरा वेरी वेल कि हाउ टू चेंज सर्टन कंट्रोल्स बटन्स कहाँ पे हैं प्लेसमेंट कहाँ पे हैं मेन्यू में कुछ चीज़ आपको चेंज करनी है फोकसिंग कैसे चेंज करना है सो so, मोटी मोटी बात यह है कि आपके कैमरे पे आपका कंट्रोल ठीक ठाक होना चाहिए मैं ये नहीं बोलता आपको इंजीनियर टाइप होने की ज़रूरत है बट एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो कंट्रोल जैसे कि आई एस ओ अपरचर शटर स्पीड या कुछ ऐसे ऑप्शन फोकसिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए बटन्स कहाँ पर प्लेस हैं ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बिकॉज जो साइटिंग जैसे कि मैंने बोला थोड़े टाइम के लिए होती है और अगर उस ड्यूरेशन में आप सेटिंग्स चेंज करते रह गए बिकॉज यू डोंट नो योर कैमरा वेल या आपने बहुत नया कैमरा लिया है और नेक्स्ट डे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गए और आपको उस कैमरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है देन यू हैव फेयर चांसेस कि आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे एंड यू वोंट बी हैविंग गो बैक विद गुड शॉट्स थर्ड टिप दैट आई वांट टू शेयर क्योंकि हमने कैमरा सिस्टम्स की बात करी है इज रिलेटेड टू सेटिंग्स लेट मी टेल यू नो इन द वर्ल्ड कैन टेल यू वॉट शुड बी योर सेटिंग्स चाहे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो चाहे लैंडस्केप कर रहे हो या किसी भी तरीके की फोटोग्राफी कर रहे हो हाँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जब भी आप पार्क में एंटर करें और आपको लगता है कि आप कई बार कुछ चीज़ें चेंज करना भूल जाते हैं यू आर फ़ोटोग्राफिंग जो कि इनिशियली कई बार मेरे साथ हो चुका है कि मैं शटर स्पीड चेंज करना ही भूल जाता था और अगर कोई एनिमल मोशन में होता था तो मोशन ब्लर मेरे शॉट में निकल के आ जाता था और उस वजह से मैंने कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी कर दी मैं ये बहुत इनिशियल स्टेज डेज़ की बात कर रहा हूँ जब मैंने फोटोग्राफी चालू ही करी थी और उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं था तो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये है कि जब भी आप पार्क में एंटर करें और आप में ये फीलिंग है कि आप आ, कई बार कुछ सेटिंग्स चेंज करना भूल जाते हैं और फिर बाद में जब शॉट निकल के आता है तब आपको याद आता है वो oh शर्ट ये तो मैंने चेंज ही नहीं किया मेरा कैमरा तो ए एफ एस पे था कंटीन्यूस सर्वो पे या कंटीन्यूस फोकसिंग में था ही नहीं जिसकी वजह से मेरे शॉट आउट ऑफ फोकस आ गए तो ऐसी सिचुएशंस में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका कैमरा है आप उसकी शटर स्पीड वन बाई टू फिफ्टी एथ ऑफ़ अ सेकेंड या उससे थोड़ी ऊपर रखें वन बाई टू फिफ्टी एथ से लेके वन बाय फाइव हंड्रेड एक एक सेफ जोन है वाइल्ड लाइफ के लिए जो मेरा मेरे एक्सपीरियंस से मैं समझ पाया हूँ आई को ऑटो पे रखें ताकि अगर आप आई चेंज करना भी भूल जाएँ तो आजकल के कैमरा सिस्टम इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो मोर और लेस ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितने आई की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर कंडीशन में आई को ऑटो पे रखें अपर पूरा वाइड खोल के रखें नाउ सेटिंग्स में ही अगर हम फोकसिंग की बात करें तो फोकसिंग मोड आपका एफ सी रखें यह मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आपको भूलने की बीमारी है या आप भूल जाते हैं आपको याद नहीं रखता फोकसिंग मोड uh, को चेंज करना तो एफ़ सी इज़ अ बेटर चॉइस दैन एफ एस ये हमेशा याद रखिए इन केस ऑफ वाइल्ड लाइफ ना जहाँ तक फोकसिंग पॉइंट का सवाल है मोरलेस अगर आप डी एस एल आर इस्तेमाल कर रहे हैं देन आई सजेस्ट सिंगल पॉइंट सेंटर वाला जो होता है दैट्स दैट्स काइंड ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड द क्विकेस्ट एंड द फास्टेस्ट फोकसिंग पॉइंट उस पर आप स्टिक रहें बट अगर आप मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हैं आजकल के जितने भी लेटेस्ट आ रहे हैं कई मिररलेस कैमरा यू नो चाहे वो सोनी के हों चाहे आप कैनन के ले लें उनमें एनिमल आई डिटेक्ट आई फोकसिंग एनिमल डिटेक्ट बहुत सारे मेकेानिज़म आ गए हैं सो so आप उन पर एक रिलाई करके देख सकते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैकेानिज़्म है कई बार काम कर जाते हैं कुछ समय काम नहीं करते हैं बट इवेंचुअली आप ऐसे कुछ मोड पे रहें ऐसे किसी फोकसिंग पॉइंट पे रहें जो आपको शार्पेस्ट फोकसिंग दे और क्विकेस्ट फोकसिंग दे, तो वैसे जैसे कि मैंने बोला डी के, के केस में सेंटर वाला और अगर आप मिररलेस यूज़ कर रहे हैं इफ़ यू वांट टू रिलाई ऑन दोज एनिमल डिटेक्ट एनिमल आई डिटेक्ट देन यू कैन ट्राई दोज काफ़ी इफेक्टिव होते हैं वो ट आई वॉन्ट टू शेयर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फोटोग्राफी बट कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड दैट्स नोइंग द एनिमल बिहेवियर मैं ये नहीं बोलता आप पूरे जूलॉजिस्ट बन जाएं, आप पूरी रिसर्च करें जो कि कई प्रो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स करते हैं सो so my सजेशन इज कि आप एटलीस्ट एनिमल बिहेवियर को स्टडी करें कि, कि किस बिहेवियर में आप उस एनिमल का बेस्ट शॉट आपको मिल सकता है नाउ फॉर एग्जांपल

टाइगर यू नो टेकिंग अटैकिंग स्टैंड या जो चार्ज करता है जब टाइगर जो स्टैंड लेता है दैट्स वेरी एग्रेसिव स्टैंस दैट पर्टिकुलर एनिमल सो इस तरीके के बिहेवियर शॉर्ट जहाँ पे एनिमल्स कुछ एक्शन कर रहे हों कुछ भी एक्शन हो सकता है लेपर्ड इन केस ऑफ लेपर्ड देर क्लाइंबिंग द ट्री और गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्री दो काइंड ऑफ शॉर्ट्स कैन बी वेरी फैसिनेटिंग ऑफकोर्स हंटिंग शॉट्स जो कि बहुत बहुत रेयर है बट अगर आपको मिल जाए नथिंग लाइक इट। सो एनिमल बिहेवियर ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में नहीं है एक्टिविटीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है बट बी वेरी अलर्ट जैसे टाइगर अगर कुछ खा रहा है या खाते हुए शॉट्स हैं टाइगर के जिसमें यू नो लास्ट टाइम जब मैं रंथम बोर्ड आया था आई गॉट अ लवली शॉट ऑफ टाइगर ईटिंग समथिंग विद ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम दी एंटायर माउथ विच इज़ कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट फॉर अ वाइल्ड लाइफ परस्पेक्टिव दैट वॉज रियली अमेजिंग साइट फॉर मी सो आई ग्रैप्ड दैट शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ना कुछ लोगों को अगर टाइगर बैठा हुआ है जस्ट वेट कि वो यॉन कप करे और उसका मुंह पूरा कप खुलता है वो भी एक तरीके की एक्टिविटी हो वो शॉट भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है रादर देन दोज हेड शॉट्स जिसमें टाइगर बस बैठा हुआ है और टाइट हेड शॉट्स आप ले रहे हैं अगर हेड शॉट ही लेना है तो आप वो जू में भी ले सकते हैं टेली लेंस लगा के यू डोंट नीड टू गो टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो माई पॉइंट हेयर इज़ चाहे आप कोई भी एनिमल को शूट कर रहे हो चाहे बर्ड्स हों चाहे टाइगर्स हों चाहे वाइल्ड कैट्स हों चाहे अदर मैमल्स हों वेट फॉर द एक्टिविटी टू हैपन पेशेंस चाहिए उसके लिए विच इज़ अनदर क्वालिटी फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बट इवेंचुअली जो रिजल्ट निकल के आते हैं दे आर फार फार मोर बेटर दैन दोज क्लीशे शॉट्स नाव अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं और आपको जैसे कि मैंने बताया इस तरीके के बिहेवियरल शॉट्स uh, मिलना मुश्किल हो रहा है एंड यू जस्ट साइटिंग द एनिमल्स देन आई ऑल्सो सजेस्ट कई लोग जूम लेंसेज लेते हैं विच इज़ गुड विच इज़ रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे यू कैन रियली गो वेरी क्लोज टू द एनिमल्स एंड यू आर ऑन अ सफारी जीप तो ऑब्वियसली थ्री हंड्रेड एम एम या उससे हायर फोकल लेंथ इज़ एट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इज़ रिक्वायर्ड उस केस में लोग क्या करते हैं सिर्फ वो एनिमल के ही टाइट पोर्ट्रेट्स और टाइट शॉट्स लेने में लगे रहते हैं जो कि लेना चाहिए बट आई ऑल्सो बिलीव अगर आपको बिहेवियरल शॉट्स नहीं मिल रहे हैं कोई एक्टिविटी करते हुए शॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो कुछ एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स भी उस एनिमल के ले लिए जाए विद दी एन्वायरमेंट कि फ़ील आए कि वो फॉरेस्ट में आपने शॉर्ट लिया है ना कि जू के अंदर तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप कोई साइटिंग करते हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा लेंस है जिसमें मल्टीपल फोकल लेंस है जैसे 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके की फोकल लेंस है तो एक शॉ एक दो शॉट 100 एम mm एम पे ले लिए कुछ शॉट्स 200 सौ mm एम पे ले लिए कुछ शॉट्स आपने टाइट पोर्ट्रेट्स के 500 सौ mm एम पे ले लिए तो मतलब मेरा है हर फोकल लेंथ का आपने यूटिलाइज करते हुए कुछ एनवायरमेंटल शॉट्स भी लेने की कोशिश करें ना कि सिर्फ टाइट हेड शॉर्ट्स ना उन लोगों के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरीज़ में जाते तो हैं उनको शौक भी है बट बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता मे वी साल में एक या दो बार उन लोगों के लिए और बहुत सीरियस uh, रहते हैं अपनी हॉबी के हॉबी को लेके और ऐसे लोग मैंने कई इनकाउंटर किए हैं जो डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं लॉयर्स हैं बट दे आर वेरी फाउंड ऑफ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी एंड दे हैव गुड गियर्स विच इज़ जस्ट रिक्वायर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी फॉर एग्ज़ाम्पल निकॉन जी विद निकॉन uh, 200 500 फाइव हंड्रेड कैन बी ए गुड कॉम्बिनेशन ये पूरा सेटअप आपको प्रॉब्बली ढाई के अंदर अंदर आ जाना चाहिए अगर आप रिटेलर से अच्छे रिलेशंस रखते हैं देन सोनी ए सेवन आर फोर विथ टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेटअप हो जाता है बट ये अगर आपके पास है तो मोरलेस आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ सिनारी में और किसी की खासा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली तो so, इस तरीके के कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल आप वाइजली किसी यू you नो know, किसी टेक्निकल uh, बंदे से जो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करता हो उससे भी एडवाइस ले सकते हैं एंड यू कैन इवन कंसल्ट द रिटेलर जो आजकल जो रिटेलर्स हैं उनको भी काफ़ी नॉलेज हो गई है वाइल्ड लाइफ के बारे में क्योंकि काफ़ी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र्स इंथूजियास निकल निकल के आ रहे हैं एंड दे आर बाइंग गेयर्स तो उनको भी काफ़ी नॉलेज हो गई है एडवाइस देते देते आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं आप कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स से जो कैनन निकॉन सोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं कि किस तरीके के आपको गेयर लेने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर बजट वो आपको बेस्ट गेयर सजेस्ट कर देंगे एज आई सेट इट्स नॉट अ वेरी सस्ता हॉबी इट्स एन एक्सपेंसिव हॉबी सो बी रेडी सिर्फ गेयर खरने खरीदने से कुछ नहीं होता यू हैव टू फंड योर ट्रैवल यू हैव टू फंड वाइल्ड लाइफ सफारीज ना इन सम स्टेट्स वाइल्ड लाइफ सफारीज थोड़ा सा सस्ता इन सम स्टेट्स वाइल्ड लाइफ सफारी एक्सपेंसिव नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर सफारी यू कैन टेक कपल ऑफ यूर फ्रेंड्स एंड पूल अ जीप फॉर सफारी एक जीप जैसे रंथम मोड़ नेशनल पार्क में कैन कॉस्ट यू अराउंड टेन टू ट्वेल्व थाउजेंड तो आप चार तीन चार लोग जा सकते हैं एंड यू कैन स्प्लिट अप दैट मनी एंड परस्यू योर हॉबी अगर आपको अकेले रहना पसंद है और आप अकेले शूट करना चाहते हैं तो आप पूरी जीप हायर कर सकते हैं सिमिलरली बांधवगढ़ में भी इसी तरीके के साढ़े आठ आठ हज़ार से रेट चालू होते हैं नौ दस हज़ार तक जाते हैं इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग सीजन टू सीज़न तो आप ये चीज़ याद रखिए कि सिर्फ गेयर में इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा यू हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम टू गेट गुड शॉट इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यही रीज़न है द डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड एमेचर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इज़ नॉट गेयर आई हैव सीन प्रो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हु इवन डोंट यूज़ फुल फ्रेम कैमराज दे यूज़ माइक्रो फोर थर्ड कैमराज जो कि यू you नो know, uh, काफ़ी छोटा सेंसर होता है और काफ़ी इनएक्सपेंसिव सेटअप है एज़ कम्पेयर टू फुल फ्रेम सेटअप बट स्टिल दे पुल आउट सम रियली नाइस इमेजरी बिकॉज दे स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इनसाइड द फॉरेस्ट अगर आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप उतना टाइम अंदर बिता सकते हैं देन डू दैट बिकॉज जितना टाइम आप फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे जितनी सफारीज आप करेंगे उतना आप वाइल्ड लाइफ को समझेंगे जितना आप समझेंगे अपने सब्जेक्ट को उतना ईजी होगा आपके लिए शॉर्ट्स निकालना सो so, ये थे मेरे कुछ फाइव टिप्स फॉर ऑल दोज पीपल हु आर बिगनर्स वन इट कम्स टू वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी और हु वॉन्ट टू परस्यू वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी एंड आई होप वैसे तो ये सिर्फ पांच टिप्स है आई वुड लव टू शेयर फ्यू मोर आइडियाज़ फ्यू मोर टिप्स अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कुछ शेयर करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं एंड आई आई एम श्योर इंडिया में वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी इंथूजियास्ट बहुत हैं और बहुत बढ़ भी रहे हैं और बढ़ने भी चाहिए बिकॉज इंडिया इस सच ए डाइवर्सिफाइड कंट्री मेरे को नहीं लगता कि इंडिया जैसा कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपके बैकयार्ड में ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी के बैकयार्ड में बैकयार्ड से मेरा मतलब है कुछ घंटों की ड्राइव पे एक बहुत बढ़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे दिल्ली के पास रंथम बोर्ड है जिम कॉर्ब है कैलकटा के पास सुंदरबनज हैं दैन बंगलोर के पास कबनी नागर होल है सो so, आप रोड ट्रिप करके आप यू कैन गो एंड ना एंटर इनसाइड दीज फॉरेस्ट रिजर्व एंड यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप वाइल्ड uh, लाइफ की बात करें uh, कई वाइल्ड लाइफ इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज़ इज़ अवेलेबल इन इंडिया जो कि कई नेशंस में कई कंट्री में नहीं देखी जाती अगर आप वाइल्ड uh, कैट्स के टाइगर लायंस के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप देखेंगे टाइगर लायन लेपर्ड पैंथर जैगोर स्नो लेपर्ड ये जो मेजॉरिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कैट यू नो स्पीशीज़ हैं ये इंडिया में अवेलेबल है विच इज़ अ ग्रेट थिंग और 130 करोड़ की पॉपुलेशन में इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होना और आप दिल्ली जैसे शहर से एकदम से एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे फॉरेस्ट है नेचर है बर्ड्स बोल रही हैं आपको प्योर हवा है प्योर एनवायरनमेंट है एंड यू सी दीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ आफ्टर ऑल दोज थिंग्स जो पास छः सात महीने में वर्ल्ड में चल रहा है आई थिंक वाइल्ड लाइफ इज़ दी बेस्ट प्लेस टू स्पेंड सम टाइम टू रिचार्ज यूर सेल्फ़ एंड टू रिलीज़ ऑल दो स्ट्रेस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन लास्ट सिक्स सेवन मंथ्स और अब तो धीरे धीरे जैसे कि मैं रंथम बोर्ड में बैठा हूँ ये नवंबर का महीना है राजस्थान ने जैसे सब कुछ खोल दिया है कई स्टेट्स ने कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोल दी है सो यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑप्शन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेयर मास्क कीप सैनिटाइजर एंड कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स वेरी ऑफन एंड यू जस्ट हैव टू फॉर्गेट अबाउट एवरी थिंग बट सबकॉन्शियस माइंड में ये जरूर रखना है कि जो अभी खतरा है वो टला नहीं है बट ट्राई मेरा पॉइंट ये है कि ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ट्राई टू एक्सप्लोर द नेचर दैट कुड बी आई बिलीव द फर्स्ट थिंग वन शुड ट्राई आफ्टर वट एवर हैज़ एप्ड इन द पास्ट बिकॉज नेचर ही इज़ एवरी थिंग सो मुझे लगता है आप सभी को जो भी वाइल्ड लाइफ इंथ्यूजियास्ट हैं आप निकलना चाहिए प्रिकॉशंस लेके और एक्सप्लोर करना चाहिए एंड विश एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरे पास और भी टिप्स हैं शेयर करने के लिए प्रॉब्बली वी कैन शेयर ऑल दोज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टिप्स इन समर वीडियो एंड वील बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए टी एच सी पर हम ऐसी एक्साइटिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लाते रहेंगे अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय फोर नाउ